हमारे लिए सब कुछ किया है, ठीक है। अच्छा बीजेपी है, हाँ। बीजेपी है तो हिंदू है। अच्छा बीजेपी नहीं है तो हिंदू नहीं है, बात सीधी बात। अच्छा नो बकवास। एक वो आम आदमी के ही लग रहे हैं जी। अच्छा ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि भाजपा से हर आदमी परेशान हो चुका है। अच्छा महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गरीब आदमी ठोट मारेगा। लॉकडाउन में भी हाँ। इसने राशन देने का वादा किया था कुछ लोग। उत्तराखंड में बधेरा विकास चल रहा है, यूपी में देख लो क्या, उत्तराखंड में देख लो, कहीं भी देख लो विकास ही हो रहा है। इस बार उत्तराखंड में देखो आप रोड, यहाँ से ऋषिकेश तक देख लो, देहरादून तक देख लो, और इधर मुरादाबाद तक देख लो, कैसी रोड करा दी, बढ़िया करा दी ना, और सिटी कुल हरिद्वार में देख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। 2022 विधानसभा चुनाव है और हम लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, आम जनता से, आम जनता के बीच जाके। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान दास प्रजापति है। भैया जी क्या लगता है 2022 में उत्तराखंड में कौन जीतेगा? 2022 में उत्तराखंड में जो है वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए, ठीक है, पर अभी जो है कुछ आदमी भटक गए हैं। अच्छा क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे सही नहीं है। अच्छा अभी कुछ ही सालों में 2-3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं यहाँ के, तो मुख्यमंत्री का चेहरा सही नहीं आ पा रहा यहाँ पे। अच्छा तो भाई महंगाई तो होगी, हर साल महंगाई होगी, ऐसा नहीं है कि महंगाई तो रुकने वाली नहीं है, ठीक है। केजरीवाल ने भी वादा किया है 300 यूनिट फ्री देने का, पर ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा इसको मुद्दा नहीं मानो आप, मुद्दे बनवाना है। अच्छा। उत्तराखंड के अंदर वो एक मुद्दा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे पूरे विश्व की। उसने तो दिल्ली को भी बना रखा है। अच्छा दिल्ली को भी बना रखा है। दिल्ली को भी बना रखा है जी। अच्छा कर्नल कोठियाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जानते हैं आप उनको? नहीं जानता जी। तो क्या लगता है कि बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी, कितनी टक्कर देगी? नहीं बीजेपी तो पूरी टक्कर देगी। अच्छा। बीजेपी आएगी, पर ये आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये टक्कर देंगी। अच्छा पर बीजेपी आएगी। अच्छा कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी या आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की नहीं आने की ज्यादा सीटें। अच्छा कांग्रेस की उससे ज्यादा जाएंगी। अच्छा। और सबसे ज्यादा आएंगी बीजेपी की। हाँ हाँ यानी मुकाबले में कांग्रेस बनी हुई है अभी। हाँ कांग्रेस बनी हुई है। चलाते हैं लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? पेट्रोल जी जो ये तो बढ़ेगा मेरे भाई। अच्छा जब फसल बढ़ेगी, हाँ ठीक है, गेहूँ बढ़ेगा, हाँ तेल बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगी, ये तो हमारे पैसे ही बढ़ेंगे। हाँ हाँ तो आप 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी को? बीजेपी को तो 100 में से 100 दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या कह रहा है उन्होंने उत्तराखंड में ऐसा? भाई हमारे लिए सब कुछ किया है, ठीक है। अच्छा बीजेपी है, हाँ। बीजेपी है तो हिंदू है। अच्छा बीजेपी नहीं है तो हिंदू नहीं है, बात सीधी बात। अच्छा नो बकवास, एक बात में खत्म। हाँ चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जानेंगे और लोगों से अभी बात करते हैं आगे। तो हमारे साथ एक और अंकल जी जुड़ चुके हैं। अंकल जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिव कुमार है जी। अंकल जी क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या UKD? ये तो फिलहाल तो आसार जो आम आदमी के ही लग रहे हैं जी। अच्छा ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि भाजपा से हर आदमी परेशान हो चुका है। अच्छा महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गरीब आदमी ठोट मारेगा। लॉकडाउन में भी हाँ। इसने राशन देने का वादा किया था, कुछ लोग डीलर ऐसे हैं कहीं फ्री दे रहे हैं और कहीं पैसा ले रहे हैं। हाँ हाँ राशन भी नहीं मिल पा रहा ढंग से। हाँ, हाँ। तो इस बार तो पहले बार ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। हाँ जी तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, मतलब जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? पूरी 100% उम्मीद है जिसकी। अच्छा ऐसी कौन सी बात आपको पसंद आ गई? बहुत सारे लोग तो विरोध कर रहे हैं, साधु संत हो गए, हमने बहुत तो से बात करी। साधु संतों का क्या, साधु संतों का तो वो तो विरोध करेंगे ही, वो तो कटेंगे इससे जो। अच्छा क्योंकि हम लोग जो इसलिए चाहते हैं, अगर ये आ गया जो इसने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, अगर इसने ये वादा पूरा किया तो आगे को भी शायद हो सकता लड़ना चाहे तो यही रहेगा। अच्छा आपने कर्नल कोठियाल जी का नाम सुना है? हाँ जी। उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कुछ? थोड़ा बहुत क्या बताया, यही बता दिया हमने आपको, बस तो अब की बार तो उनको ही चुना जाएगा। अच्छा उनका नाम ही बहुत है। हाँ जी। अच्छा और महंगाई के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई? सभी चीज़ महंगी हो गई, तो बताओ जो दाल 80 रुपये किलो थी वो 200 रुपये किलो होगी, जो तेल 100 रुपये था वो भी 200 रुपये किलो हो गया, डीजल 90 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, और इससे ज़्यादा क्या महंगाई होगी। अच्छा कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे, इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी या? कांग्रेस की तो देखो जी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमने कभी इस कांग्रेस को पहले चुना ना आप चुने, तो ये तो खाने वाले हो उत्तराखंड को, ये बेच के खा गए और क्या।
11 में मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अच्छा। और इससे ज्यादा क्या होगा बताओ। त्रिवेंद्र रावत रहे, तीरथ सिंह रावत रहे, अब बताओ, अब ये उत्तम पुष्कर सिंह धामी आए, अब इनका देखते हैं क्या जलवा दिखाते हैं क्या नहीं। हाल में मेरे हिसाब से तो ये भी त्याग पत्र देने ही वाला है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का विकास नहीं विनाश करा है, लोग कह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इत्तेफाक नहीं लगता ये। अच्छा। हाँ जी। जरा सा भी नहीं लगता? ना जी। और जो उसके दिल्ली में केजरीवाल ने क्या हुआ, बिजली लाइट पानी सब फ्री किया हुआ गरीब आदमी के लिए। आपको लगता है सच में सारी सुविधाएं मिल रही है? बिल्कुल सारी सुविधाएं, क्योंकि हमारा खुद सिस्टर रहती है वहाँ पर ISBT के पीछे। अच्छा, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपको। अच्छा, उसको सारी सुविधाएं मिल रही है। हाँ, फिर राशन फ्री मिला, उसके बाद पैसा लिया, उससे पहले भी पैसा लिया। अच्छा। हाँ जी। तो आगे क्या क्या उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से बिजली के अलावा? आम आदमी पार्टी से तो मैं एक दफे में हो जाए उसके बाद ही उम्मीद लगाई जा सकती है। अच्छा। जैसे उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, अगर वो पूरा करते तो आगे जो और वादा करेंगे उसको भी वो निभाएंगे। फिलहाल तो ये बिजली की उम्मीद है, इससे और कोई। तो ये थे अंकल जी, इनका साफ कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आने वाली है। तो दोस्तों, हम आगे की तरफ चल रहे हैं, एक भैया और हैं, तो भैया से हम पूछेंगे। अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। क्या लगता है 2022 में कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी BJP या कांग्रेस? भाई आएगी तो BJP। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको BJP आएगी? भाई उसके काम धंधे से इतना बड़ा पावर आदमी कोई है नहीं। अच्छा, BJP है। महंगाई तो बढ़ रही है लगातार? महंगाई बढ़ रही है, उतनी सहूलियत भी तो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उतनी सहूलियत भी तो दे रहे हैं। अच्छा, क्या क्या सहूलियत दी आपको? अभी तो देखो हमें कोई सहूलियत नहीं मिली है। हाँ। अभी तो इसी में लगे पड़े हैं कि भाई। हाँ। कि जैसे आप ये कोरोना का आया है। हाँ। आदमी तो उसी में उलझ के रह गया। हाँ। अब ये है कि आगे क्या करती है ये देखना है। अच्छा, आपको बहुत सारी उम्मीदें। अच्छा, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या घर का जो राशन की बात है वो बढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस देखो, पेट्रोल के बारे में तो हम इस बारे में उनके हाथ में भी नहीं हो सकता। हाँ। एक, हाँ। एक मिनट, एक और भैया है। भैया क्या कहना चाहेंगे आप, 2022 में कौन जीतने वाले हैं? मोदी जी की सरकार आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जैसे लॉकडाउन लगा था, महामारी आई थी, तो मोदी जी की जगह कोई और होता तो वो संभाल नहीं पाता। मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, सब जगह शौचालय बनवा दिए, लैटरिन पे पेशाब के लिए सारी व्यवस्था करा दी उन्होंने, यात्रियों को भी सब जैसे लॉकडाउन में आना जाना है सारी व्यवस्था करी है उन्होंने, किराया भी फ्री करा था एक झटके को। अच्छा। क्योंकि फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार आई। अच्छा, जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के या घर के राशन की बात करें या पेट्रोल की बात करें या किसी की भी, ये तो कोई सी भी सरकार आ जाओ ये तो एक सा ही चलता रहता है, ये घटता नहीं है कभी भी। अच्छा, सरकार कोई सी आ जाओ ये बढ़ाएंगे ही, घटाने के नहीं है, क्योंकि इन्हें भी चारों लब का देखना पड़ रहा है ना, रोड बनवाना है, विकास करना है, दुनिया भर का काम है। अच्छा। बात ये है तो विकास के नाम पर कितना विकास करा है BJP ने उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बधेरा विकास चल रहा है, UP में देख लो क्या, उत्तराखंड में देख लो, कहीं भी देख लो, विकास ही हो रहा है। इस बार उत्तराखंड में देखो आप, रोड यहाँ से ऋषिकेश तक देख लो, देहरादून तक देख लो। हाँ। और इधर मुरादाबाद तक देख लो, कैसी रोड करा दी। हाँ। बढ़िया करा दी ना। हाँ। और सिटी को हरिद्वार में देख लो, रोड बढ़िया है नहीं। हाँ। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई आम आदमी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में आ रही है वो। ये तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और बस जी, बस भैया ने आपने समझा दिया, बहुत बढ़िया समझाया। अच्छा, भैया ने समझा दिया। हाँ। तो आप भी BJP में ही? बिल्कुल। अच्छा, BJP। हाँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में? बाकी तो सब भूल जाओ। अच्छा। इनको तो हम वैसे भी नहीं देने के। अच्छा। हम तो वैसे भी पहले से BJP में जुड़े हैं। हाँ। और BJP को ही वोट देते आए, BJP को ही मिलेगा। अच्छा, आप BJP से ही जुड़े हैं? हाँ। तो ये थे भाई साहब, इनसे बात करी हमने, ये भी BJP के सपोर्टर हैं। कहीं ना कहीं जब हम आम आदमी के बीच जा रहे हैं तो हमें आम आदमी के, कांग्रेस के, BJP के सपोर्टर मिल रहे हैं, और वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे राष्ट्र हित में है या राज्य हित में है या आम आदमी के हित में है। तो लोग ये सारे मुद्दे देख के वोट देंगे अपने 2022 के विधानसभा चुनाव में। ऐसे तमाम न्यूज़ के लिए बने रहिए, हम जाते हैं जनता के बीच और आप सबको बताएंगे सच क्या है और विकास कितना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।